पहले से थोड़ा सा आग लगा हुआ था, ये केबल के साथ आग लग गया था, केबल भी जल गया था। अगर हमारा मोबाइल में बैलेंस था तो किसी का गाड़ी ये मौके पर नहीं पहुंच जाता था। नाजरीन, ये आपको आग लगी हुई नजर आ रही है, ये वाकया पेश आया है क्वार्टर टाउन जमाली पुल कराची में, जो के तारे जो है वो रोड पे गिर गए, बड़े बड़े जो हैवी तार है जो कि किसी का भी नुकसान हो सकता है। ये खंबे को आग लगी है, तारे वगैरह जो जल गई है, ऊपर तक जो है वो आग चली गई है, जो आपको तारे वगैरह नज़र आ रही है। नुकसान तो बहुत हुआ माली, अलबत्ता जानी जो है वो फ़िलहाल किसी का नुकसान नहीं हुआ है। परेशानी ये है कि रोड जो है अभी बंद है, लोग जो भी आते हैं यहाँ के मकामी लोग उनको रोकते हैं कि आप तो जो भी मोटरसाइकिल या कार वगैरह आता है यहाँ के लोग इनको इसलिए रोकते हैं कि यार ये तार वगैरह पड़े हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए यहाँ के जो बुजुर्ग शहरी हैं और मकामी लोग हैं इनके इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका मुतालबा क्या है और नाजरीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो काका आप बताइए, मामला कब से पेश आया और ये क्या हो रहा है? हो गया, ये मामला शुरू हो गया था और ये पुल के ऊपर पहले से थोड़ा सा आग लगा हुआ था, ये केबल के साथ आग लग गया था, केबल भी जल गया था, केबल का तारे भी जल गया था। आग लगने की वजह यहाँ तक नौबत क्यों आई कि अभी आग देखो आपके तारे रोड में पड़े, रोड आपने ब्लॉक किया हुआ है? ये रोड इसके ब्लॉक है, हमारा ट्रांसफार्मर ये वो ये किया, रोड ज्यादा है तो इस वजह से ये कोई इसी लगाता है, कोई क्या लगाता है, ये बस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये हुआ। और आपने जो आग वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे सुबह से इतनी आवाजें आ रही थी, कैसे बुझाई, किस तरह लगा रहा था? मैं खुद कोई जादू से बुझा रहा था, कोई बत्तियाँ लगा रहा था, हमारा मोबाइल में बैलेंस नहीं था। अगर हमारा मोबाइल में बैलेंस था तो किसी का गाड़ी ये मौके पर इधर पहुंच जाता था। तो क्या कोई सरकारी वगैरह किसी ने हेल्प किया आपने तहत किया? कोई हेल्प नहीं किया हुआ। तो अभी किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जानी हमारे अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान तो नहीं पहुंचा था और तारों का नुकसान माली नुकसान थोड़ा पहुंच गया, अल्लाह खैर है वो पहुँच जाएगी। तो आप क्या कह रहे हैं कब तक ठीक हो जाएगा? बस इंशाल्लाह जल्द अज ठीक हो जाएगी। आप क्या कहेंगे आखिरी पैगाम? आखिरी पैगाम ये है जो हम लोग 6-7 बंदे इकट्ठा हो जाए, किसी के दफ्तर से चला जाए, दफ्तर में दो दाना मंजूर कर जाए।